नमस्कार, आप जो रचन डेनिस गुजरात हूँ जो तमारी साथ है रुचा पंड्या। बात करें विगतवार समाचारों तो मध्य प्रदेश में वर्षे अंत सुधी में योजनारी विधानसभा की चूंटणी माटे भारतीय जनता पार्टी एक कमर कसी छे। श्रेणी में वडाप्रधान नरेन्द्र भाई मोदी भोपाल ना जंबोरी मैदान में कार्यक्रमों में उत्साह भरवा पहुंचा था। तरह भाजपा कार्यक्रमों महाकुंभ ने संबोधित करता पीएम मोदी कहूत कि आ महाकुंभ में उमटेली भीड़ घणु बधु कही जाए। तेमणे कहू कि मध्य प्रदेश की जनताए हमेशा भाजपा ने संपूर्णपणे आशीर्वाद आप्या छे। तरह जनसंघ ना समय थी जाऊ थतु आयु छे। वडाप्रधाने कहू कि कांग्रेस सक्षम युवानों थी मध्य प्रदेश ने बीमार राज्य बनावी दीधु छे। हिना युवानों ने कांग्रेस जमाना नी कायदा तेमज व्यवस्था नी खराब स्थिति जोई नथी, तेरे रस्ता जोया नथी, अंधकार मा जीवता गामों ने शहरों जोया नथी। अमारी भाजप सरकारे मध्य प्रदेश ने नवी ऊंचाई लई जवानो प्रयास कर्यो छे अने तेथी ज अहीना युवानों ए मध्य प्रदेश नो विकास ज जोयो छे। तेमणे मध्य प्रदेश ना घऊ ना उत्पादन मा उग्रणी तेमज अग्रणी राज्य तरीके जोयु छे। તેમણે મધ્ય પ્રદેશના ઉભરતા શિક્ષણ હબ તરીકે જોયું છે। વડાપ્રધાને કહ્યું કે આપણે આ વાતનું ધ્યાન ચોક્કસપણે રાખવું જ પડશે કે વિકાસનું વાહન જે એમપીની જનતાને બનાવ્યું છે તે રસ્તા પરથી જ નવું જોઈએ, ત્યારે ભટકી ન જવું જોઈએ, અટકાઈ પણ ન જવું જોઈએ, અટવાઈ પણ ન જવું જોઈએ। ત્યારે આપણે આપણી બાજુબાજુના જે જગ્યા જોઈ રહ્યા છે ત્યારે રાજસ્થાનમાં તેમણે પણ તક મળી ત્યારે કોંગ્રેસ ત્યાં કેવી રીતે વિનાશ લાવ્યો છે અને અમે મહારાષ્ટ્રમાં પણ જોયું જ્યાં તેઓએ લૂંટ કરી તેમજ તેમનો નંબર વન ટાસ્ક બનાવ્યો। પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ વિકસિત ભારત સાથે જોડાયેલા દરેક પ્રોજેક્ટની ટીકા કરે છે। તમને યાદ જ હશે કે કોંગ્રેસ પણ ડિજિટલ ઇન્ડિયાનો વિરોધ કર્યો હતો જ્યારે ભારતમાં રેકોર્ડ ડિજિટલ વ્યવહારો થઈ રહ્યા છે, પરંતુ કોંગ્રેસને પણ આ પસંદ નથી। વડાપ્રધાને કહ્યું કે કોંગ્રેસને વિકાસ પસંદ નથી, તે કાટવાળા લોખંડ જેવો છે। ત્યારે તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસે 50 વર્ષ પહેલા ગરીબી હટાવવાનો નારો પણ આપ્યો હતો। भाजपा के साथ देश के इस दिल का जुड़ाव कुछ विशेष ही रहा है। जनसंघ के जमाने से लेकर आज तक भाजपा को एमपी के लोगों ने हमेशा भरपूर आशीर्वाद दिया है। अटल जी, कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, सुंदरलाल पटवा जी, वीरेंद्र सकलेचा जी, मध्य प्रदेश से निकले ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों ने हमें आज यहां तक पहुंचाया है। ऐसे अनेकों लोगों का तप और त्याग आज भी भाजपा के हर कार्यकर्ता को प्रेरित करता है। इसलिए मध्य प्रदेश सिर्फ भाजपा के विचार का ही नहीं बल्कि विकास के विजन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए आज जब देश अमृतकाल की नई विकास यात्रा पर निकला है तब मध्य प्रदेश की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। यानी जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली है कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां
उन्होंने देखी नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। यहां के युवाओं ने कांग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्था नहीं देखी। यहां के युवाओं ने इस दौर की खस्ता हाल सड़कें नहीं देखी।